अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं बच्चों? आज हम लोगों की रीडिंग फिर से शुरू हो गई। ठीक है, छुट्टियां हमारी ख़त्म, हमने फिर से काम शुरू कर दिया है। आज हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके मुश्किल अल्फाज, मानी जुमले, बुक वर्क, ईच एंड एवरी थिंग जो कुछ भी इसके अंदर आएगा, एक्सरसाइज में आएगा, तशरीह है, सारा कुछ करेंगे। ठीक है, अब जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे वो मैं आपको अंडरलाइन करवाती जाऊँगी, आप अंडरलाइन करते जाना, मैं मतलब भी बता दूंगी, बाद में फिर हम अल्फाज मानी भी करेंगे। ठीक है, हु कहते हैं आदत को, हु आदत, आवा सारे का सारा, ये जो खास अल्फाज है ना, मैं उनके मानी आपको बता रही हूँ। हु आदत, आवा सारे का सारा, अहलिया बीवी, मैदा पेट के अंदर एक उजू है जिसमें हमारा खाना जाके रहता है उसको, और हजम होता है उसे मैदा कहते हैं। गजा खाने की चीजें, खुराक। ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं। खाने को मिल रहा है जो खाना खराब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा खराब है। इसमें असल में ना शायर एक मजाहिया अंदाज में जो खराबियां हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर, उनकी निशानदेही कर रहा है कि हर चीज को खराब कहा जाता है। कोई शख्स भी ये नहीं कहता कि मेरे अंदर खुद भी कोई बुराई मौजूद है या मैं खुद भी खराब हूँ, वो चीजों के अंदर नुक्स निकालते हैं, और हर बंदे के पास जवाब मौजूद है कि चीज क्यों खराब है। इसके अंदर ये बताया गया, खाने को मिल रहा है जो खाना खराब है, इस वास्ते तो हाल तुम्हारा खराब है। हर अहलिया की हू है कि शोहर से ये कहे, अहलिया को अंडरलाइन कर लें, अहलिया का मतलब है बीवी, हू आदत, हमने ऊपर लिख भी लिया। ठीक है, शोहर से ये कहे, बाजार से जो लाए हो सौदा खराब है। कहते हैं जब गवाले से पतला है दूध, क्यों? गवाला कहते हैं दूध देने वाले को, इसको अंडरलाइन कर लें। कहता है हमसे भैंस का चारा खराब है, यानी कि जब गवाले से शिकवा करते हैं कि दूध पतला क्यों आया है, तो वो कहता है भैंस जो खाना खाती है ना, जो खुराक खाती है, वो ही सही नहीं है, वो खा गया है मेरे भी हिस्से की सब गजा, और ये भी कह रहा है कि मैदा खराब है। गजा कहते हैं खुराक को, खाने पीने की चीजों को, तो कहता है कि वो मेरे हिस्से का खाना भी खा गया, और साथ साथ ये कहे जा रहा है कि मेरा मैदा खराब है। करने लगा इलाज मेरा जब से डॉक्टर, पहले से मेरा हाल ज्यादा खराब है। यानी डॉक्टर भी जो है वो सही दवाई नहीं देते, इलाज करते हैं, इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। हर चंद को अंडरलाइन कर लें, हर चंद का मतलब है कैसा ही, हर चंद हाल ही में बनाया गया है वो, फिर भी हमारे गाँव का रास्ता खराब है। इनके जो सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें भी इस तरह की खराब बनाई जाती हैं कि कुछ दिनों के बाद ही वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं हूँ खुद खराब, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। यानी शायर कहता है कि भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपने आप पर इल्ज़ाम लाता हो, हर बंदा जो है वो जमाने को यानी कि लोगों को खराब कहता है। वो दो एक ही मशीन के पुर्जे नहीं खराब, अब तो नियाज आवे का आवा खराब है। आवे का आवा एक मुहावरा है, अंडरलाइन करें, मुकम्मल तौर पर खराब होना, आवे का आवा का मतलब है मुकम्मल तौर पर खराब होना। क्यों कहता है कि ये जो मशीन है ना, ये कोई दो पुर्जे तो नहीं है ना, एक दो पुर्जे नहीं है कि बंदा कहे खराब हो गए हैं, यहाँ तो पूरी की पूरी जो मशीनरी है ना वही खराब है। ठीक है, अब आपको बात की समझ आई है कि शायर जो है जमाने की खराबियों का किला कर रहा है कि कोई शख्स भी अपने आप को खराब नहीं कहता, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लाता, हर बंदा ये कहता है कि जो दूसरा है वो खराब है, और ये जो इंसानी मशीनरी है ये कोई एक दो पुर्जे तो है नहीं इसके खराब, कि इंसान कहे कि चलो जी खराब हो गई ठीक हो जाएंगे, जब सारे का सारा मुकम्मल तौर पे निज़ाम ही खराब है, इस वजह से हालात ऐसे हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की हमारी रीडिंग यहाँ तक है, अल्फाज मानी भी हम इंशाल्लाह लिखेंगे, जो मुश्किल लफ्ज़ है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आपने इसकी अच्छी से रीडिंग करनी है और लफ्ज़ों के मानी भी समझने हैं, और इंशाल्लाह फिर हम तशरीह करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।